फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। आज हमारा क्वेश्चन है मेंस्युरेशन के टॉपिक में। मेंस्युरेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। आज हम मेंस्युरेशन यानी क्षेत्रमिति के टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट और 11th का ए और बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट है, जिसमें हमें कहा गया है स्प्लिट द फिगर इंटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड एरियाज। यानी इस फिगर को हमें रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है और फिर एरियाज को फाइंड करना है। तो चलिए इसको स्प्लिट करते हैं रेक्टेंगल्स में। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स हो गए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1, A2, A3। तो इस पूरे फिगर में हमें 3 रेक्टेंगल्स मिल गए। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। एरिया ऑफ A1 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी है, देखिए यहां से लेकर यहां तक हमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 3 सेंटीमीटर है। तो यानी इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इसकी ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, यानी इसकी ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है। सो 3 ones are 3, सो इट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ A2 फिगर, ये जो रेक्टेंगल A2 है इसका एरिया फाइंड करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये जो 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये यहां से लेकर यहां तक का लेंथ दिया हुआ है, लेकिन हमें तो यहां से लेकर यहां तक चाहिए क्योंकि हम इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक भी 3 सेंटीमीटर है। ये जो 5 सेंटीमीटर है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। ओके, तो यानी कि यहां पर हम लिखेंगे A2 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ये 3 सेंटीमीटर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब कि पूरा अगर हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 3 सेंटीमीटर है, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। इट मीन्स अगर मुझे सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट जानना हो तो मैं इस 3 में से इस 2 को माइनस कर दूंगी। सो 3 minus 2 क्या हो जाता है, 1। यानी ये जो ब्रेथ है ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी ब्रेथ हो गई 1 सेंटीमीटर। सो 3 ones are 3, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। अब एरिया ऑफ A3, यहां पर भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब A3 फिगर A3, अब हमने यहाँ पर देखा कि ये लाइन पूरी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, यानी इसका भी जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो 3 सेंटीमीटर है। सो 3 सेंटीमीटर हो गई लेंथ। अब हमें फाइंड करना है ब्रेथ। ब्रेथ यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, तो एक ही बार लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो 3 ones are 3, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, A1, A2, A3 के एरियाज को टोटल कर लेना है। तो कर लेते हैं, एरियाज ऑफ A1 plus A2 plus A3 इज इक्वल टू A1 कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस A2 कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस A3 कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम 3 plus 3 plus 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9। यानी इसका टोटल, इस पूरे फिगर का टोटल एरिया कितना हमने फाइंड किया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। एरिया का आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर करके या मीटर स्क्वायर, जो भी मेजरमेंट है, जो भी यूनिट्स है, चाहे मीटर हो, किलोमीटर हो या सेंटीमीटर हो, उसके साथ आपने स्क्वायर को लिख देना है, स्क्वायर। ओके, जैसे इसका आंसर है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाला फिगर है जिसमें हमें रेक्टेंगल्स को स्प्लिट करना है और फिर एरियाज फाइंड करने हैं। तो देखिए, अगर मैं इस फिगर में ये जो L बना हुआ है, इसमें अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं
तो यहाँ पर देखिए आप दो रेक्टेंगल्स बन गए, एक इस टाइप का हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, इस टाइप का वर्टिकल रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ B1 और यहाँ पर लिख लेती हूँ B2। ये हो गया रेक्टेंगल B2। अब इसके एरियाज फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ B1 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है B1 की, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई। अब देखेंगे इसका ब्रेथ, तो देखिए ब्रेथ जो है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो हमें लिखना एक ही बार है, तो इसकी जो ब्रेथ है वो हो गई 2 सेंटीमीटर। सो 12 2 सा क्या होता है 24, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हो गया B1 का एरिया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ B2 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ देखिए, देखिए यहाँ पर जो हमें लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा, ये जो पूरी लेंथ है इसका सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, लेकिन हमारा जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और ये है 8 सेंटीमीटर। So, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ। ब्रेथ देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें इस पूरे फिगर का एरिया बताना है, उसके लिए हमें इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरियाज को एड करना होगा। सो एरिया ऑफ B1 प्लस B2 इज इक्वल टू B1, यानी जो रेक्टेंगल B1 था उसका एरिया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया फाइंड किया था रेक्टेंगल B2 का, उसका है 16 सेंटीमीटर। सो प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर लेंगे एड, 6 प्लस 4 हो जाता है 10, 0 लिख लेंगे, 1 यहाँ पर कैरी ओवर कर देंगे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास फिगर है वो कुछ इस टाइप का है, हमें इसे भी रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है और फिर एरियाज को फाइंड करना है। तो देखिए ये जो फिगर है इसमें रेक्टेंगल्स में नहीं बल्कि हम इसे स्क्वायर में स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से, तो इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे इसको दे देते हैं हम S1, S2, S3, S4 और S5। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो कर लेते हैं फाइंड एरिया ऑफ S1 इज इक्वल टू, अब देखिए क्योंकि ये सारे स्क्वायर्स हैं तो हम इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सो एरिया ऑफ S1 इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सो साइड देखिए सारी सेम है 7 सेंटीमीटर, सो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ S2 इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो सारे साइड 7 है, S2 है ये, इसके भी सारे साइड 7 है, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ S3 इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। S3 ये भी 7 सेंटीमीटर ही है, इसके भी साइड 7 है, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ S4 इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू S4 ये रहा, ये भी 7 सेंटीमीटर है, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 49, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ S5। एरिया ऑफ S5 इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, सो इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास 49 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी बार आया, जितना ये फिगर है, जितने टोटल फिगर्स हैं उतनी ही बार 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आया है। अब हमें इस पूरे फिगर का टोटल एरिया बताना है। 1
टू थ्री फोर फाइव, तो 5 times 49 ऐड करने से अच्छा है कि हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें. एरिया ऑफ एस वन कॉमा एस टू कॉमा एस थ्री कॉमा एस फोर कॉमा एस फाइव इज इक्वल टू, सबका एरिया कितना था 49 सेंटीमीटर, और कितनी बार आया था 5 टाइम्स, ये 5 फिगर्स हैं तो 5 टाइम्स हमें 49 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला था. तो हम 5 से इस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर को कर देंगे मल्टीप्लाई. आप चाहे तो 49 को बार बार ऐड भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. इससे अच्छा है कि हम इसे 49 से 5 को मल्टीप्लाई कर दें. सो 9 5 जा हो जाता है 45, 4 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, तो ये हो जाएगा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर. पूरे फिगर का एरिया कितना है 245 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू वेरी मच.